हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, 3 अक्ष स्क्वायर माइनस 16 अक्ष प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। तो इसका एबीसी का मान लिख लेते हैं अपन। पहले ए ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा माइनस का 13, सी बराबर हो जाएगा 6। तो मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है सी बटा ए। तो सी का मान कितना है? 6/3। इसका मान हो जाएगा 2। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, यदि रीना अपने घर से निकलती है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो उसके जन्मदिन के बीच की दूरी कितनी है? तो ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर। तो चालों का गुणनफल हो जाएगा 3 × 4 बटा चालों का अंतर 1 × समय का योग। तो समय 20 मिनट देरी से और 30 मिनट जल्दी, मतलब 50/, समय कितना होता है 1 घंटे में 60 मिनट। तो 0 से 0, 3 से 3 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, 5 × 10 किलोमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया, बाद में पता चला कि 47 को चूकवश 41 पढ़ लिया गया है। तो 47 को कितना पढ़ा उन्होंने? 41। कितना था? 47, उसको कितना पढ़ा? 41, मतलब 6 कम पढ़ा। तो 6 भाग कितनी संख्या थी? 36। तो 6 के अंदर 36 का भाग देंगे तो आएगा 0.166। तो अपन 42 के अंदर जोड़ देते हैं 0.166, ये हो जाएगा 42.17। आगे देखें स्टूडेंट्स, सरल कीजिए 3 का स्क्वायर कोष्टक क्यूब प्लस 3 का क्यूब कोष्टक स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 का क्यूब प्लस 2 × 4 = 8 का स्क्वायर। तो 9 का क्यूब होता है 729, 729 प्लस 8 × 64। तो 729 में 64 जोड़ेंगे, आ जाएगा 793। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, एक पाठ्यक्रम में कुल 892 पृष्ठ है, इसे दो दो भागों में बांटा गया, पुस्तक के दूसरे भाग पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। तो कुल ए प्लस बी बराबर कितना है? 892। ए प्लस बी का मान कितना है? 892। ए माइनस बी कितना है? 52। तो दूसरा भाग निकालना है तो इसमें से घटा के इसको 2 का भाग देना पड़ेगा, मतलब बी का मान निकालना है। तो 892 - 52, 0, 9 में से 5 ला गया 4, 840। 840 में 2 का भाग देंगे आ जाएगा दूसरा भाग 420। आगे देखें स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640। 34,500 से कितना हो गया? 38,640। कितना बढ़ गया? 4,140। 4,140 बटा 34,500 × 100, 2 0 से 2 0, ये इससे जाएगा 12 बार, 12%। आगे देखें स्टूडेंट, सातवां क्वेश्चन, 14 वर्ष पहले एक पिता और पुत्र की आयु 3 गुनी थी, पिता और पुत्र, ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र, कितने गुनी थी? 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी, ये 14 वर्ष जोड़ देंगे 2 गुनी, तो
अक्स माइनस दो अक्स बराबर है 14, अक्स बराबर 14 तो 28 माइनस 14, अक्स बराबर 14, तो ये हो जाएगा 14 वर्ष था पहले, ये था 14 थी 42 प्लस 14 वर्ष और ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 28। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 प्लस 28, 8 और 6 14 का 4, हासिल की 1, 5 और 2 7 और 1 8, 84 वर्ष। आगे देखें स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000, 5 वर्ष में कितनी होती है 2000 और 2 वर्ष में कितनी 1250, तो 3 वर्ष में कितनी बढ़ रही है 750, 1 साल में कितनी बढ़ेगी 250, तो वार्षिक ब्याज की दर 1 साल में 250 बढ़ रही है तो दो साल में बढ़ेगी 250, दो साल में 500, तो 1250 में से 500 चला गया तो यह जाएगा 750, तो 250 ब्याज और 750 मूलधन इंटू 100, ये चला जाएगा इससे 3 बार 33 सही 1/3%। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यदि संख्या 3, 4, 1, 3, 5, 2, 7, 8 ये प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक विषम अंक की हो जाएगा इसमें, प्रत्येक विषम अंक में कितना जोड़ा जाता है 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, 1 घटा दिया तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 7। तो बाएं से तीसरे का योग, तो बाएं से ये हो जाएगा बाएं से तीसरे 3 प्लस दाएं से तीसरे 1 का योग हो जाएगा 4, ये होगा दाएं से तीसरा। आगे देखें स्टूडेंट्स, धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।